السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاه والسلام على رسوله الامين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد क़मा व क़माब्रबरमजीद महतरम हाजिर नामी आज के हमारे इस दर्स का जो मौज़ु है उसका ताल्लुक बीमारियों से बीमारी बीमारियाँ और बीमार इंसान इस ताल्लुक से हमारी शरीयत की क्या रहनुमाइयाँ हैं और किस तरह की तालीमत हमारी शरीयत ने बीमारियों के ताल्लुक से और बीमारों के ताल्लुक से मरीज़ों के ताल्लुक से बयान की है इंशाअल्लाह मुख्तसर वक्त में चंद एक बातें जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहली बात ये कि सेहत अल्लाह की एक अजीम नेमत है हमें इसकी क़द्र करना चाहिए अल्लाह आलमीन ने बहुत सी नेमतें दी हैं बहुत से एहसानात किए हैं उन्हीं एहसानत और नेमतों में से एक अजीम तरीन नेमत, जो अल्लाह ने हमको दी है वो है सेहत की नेमत। इंसान के पास सेहत हो तंदुरुस्ती हो ताकत हो तोानाई हो एनर्जी हो तो वो सही तरीके से सारी चीज़ों को अंजाम दे पाता है चाहे इबादतों का मामला हो या दुनियावी कामों का मामला हो लेकिन अक्सर लोग इस नहमत के तल्ल से धोखे में हैं या तो इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं या तो फिर जो है उसे इस नेमत की वो कदर नहीं करते हैं और बुढ़ापे के लिए इबादतों को बचा करके रखते हैं जैसा कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वम ने बयान किया नमतानी मकबून उनफ़ी हिमा कसर उम्मीनन्नास अस्स हतुलफ़रा दो नेमतें ऐसी हैं जिनके सिलसिले में अक्सर लोग धोखे में हैं क्या है हैं अस हतलफरा एक है सेहत व तंदुरुस्ती और दूसरे है फ्री टाइम इंसान के पास फ्री टाइम होता है उसका गलत इस्तेमाल करता है इंसान के पास सेहत होती है तो इसकी कदर नहीं करता है और गलत चीज़ों में फजूल चीज़ों में लायानी चीज़ों में इसका इस्तेमाल करता है तो सेहत अल्लाह आलमीन की बहुत बड़ी नेमत है हमें इसकी कदर करना चाहिए और इसीलिए प्यारे रसूल अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर बयान किया जो मुस्तदरक हाकिम की हदीस है हदीस नंबर सात हज़ार आठ सौ छियालीस आपने फ़रमाया पांच चीज़ों को पांच चीज़ों से पहले गनीमत समझो उसी में एक चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान की वो सेहत काबलिक बीमारी के आने से पहले अपनी सेहत को गनीमत समझो अपनी सेहत की कदर करो इसका सही इस्तेमाल करो दुनियावी कामों में जैसे लगाते हो उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत है कि अपनी सेहत को अल्लाह के इबादत में लगाओ और अपने लिए नेकियां जमा कर लो दूसरी बात जो इस टॉपिक के हवाले से है वो ये कि अल्लाह आलमीन अपने बंदों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आज़माता है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उन्हीं में से एक तरीक़ा है कि अल्लाह हरबुल आलमीन इंसान की सेहत को ख़राब कर देता है या इंसान को अल्लाह बीमार कर देता है अल्लाह हरबालमीन ने कई जगहों पर इसका तस्करा किया है बीमारियाँ इन्हीं आजमायशों का इन्हीं इम्तहान का एक तरीक़ा है और एक उसकी सूरत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किस तरीके से अपने बंदे को आजमाता है लेकिन एक हकीकी अल्लाह का बंदा और हकीकी मुसलमान वही है जो मुसीबत में अपने आप को अल्लाह से जोड़ करके रखे बीमारी में अल्लाह से जोड़ करके रखे इसीलिए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया मैूरी दिल्ल बुर युसिब मिन जिसके साथ अल्लाह भलाई का इरादा करता है उसको क्या करता है किसी मुसीबत में डाल देता है किसी परेशानी में डाल देता है किसी बीमारी में डाल देता है इसीलिए आप देखें अंबिया कराम की जिंदगी में सबसे ज्यादा मुसीबतें रही चाहे जिस शक्ल में उन्हीं शक्लों में से एक शक्ल क्या बीमारी है अंबिया के राम फिर जो जितना ज्यादा नेक होता है उसकी जिंदगी में उतनी ज्यादा मुसीबतें और परेशानियां आती हैं और अल्लाह उनकी उतनी ज्यादा आजमाइश करता है यारे रसूल सल्लाम ने क्या फरमाया अशदिया सबसे ज्यादा सख्तरीन आजमाइश अगर किसी की होती है तो नबियों की होती तो मल्सल फलसल फिर जो जितना ज़्यादा नबी के करीब होता है जितना ज़्यादा नेक होता है उसकी उतनी ही ज़्यादा फिर आजमाइश हुआ करती है इस सिलसिले में मिसालें हमारे सामने बहुत सारी हैं कि अल्लाह ने बीमारियां नबियों को दी हैं नबी अंबिया बीमार हुए पैगंबर बीमार हुए खुद हमारे प्यारे रसूल सल्ला की मिसाल आप बीमार हुए और इसी बीमारी की हालत में आप सल्ला वसल्लम की वफा भी हुई इसी बीमारी की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई सत्रह दिनों तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार रहे बस लोगों ने तेरह दिन बयान किया है और इतना तेज बुखार आपको कि ऊपर से ही बुखार की हरारत को महसूस किया जा रहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बुखार उस परेशानी बीमारी की वजह से इतने ज्यादा कमजोर हो गए कि आप खुद अपने पैरों का सहारा लेकर के चलकर मस्जिद में नहीं आ सकते थे दो सहाबा के कंधों का सहारा लेकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा रदी वना के हुजरे से मस्जिद नबी में तशरीफ लाया करते थे और फिर बाद में ये परेशानी ये बीमारी और बढ़ी तो आप अलैहि वम ने टोटल सत्रह वक्त की नमाज़ नहीं पढ़ाई इसी बीमारी की वजह से क्योंकि उसी हुजरे से चल करके मस्जिद में आप तशरीफ नहीं ला सकते थे तो आप नबूबकर हुक्म दिया कि जाओ उनसे कह दो कि वह नमाज पढ़ाएं सत्रह वक्त की नमाज़ जमेरात की इशा से लेकर के और पीर के दिन फजर की नमाज तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सत्रह वक्त की नमाज नहीं पढ़ाई जुम्मे की पांच नमाजें सनीचर की पांच नमाजें इतवार की पांच नमाजें और जुमेरात की ईशा और सोमवार की पीर की फजर ये सत्रह वक्त की नमाजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ाई क्यों इसलिए कि आप बीमार थे आपको कमजोरी लायक थी आपको परेशानी लायक थी और मिसालें आप नबियों की देखें हजरत अय्यूब अयुबल का तस्करा आप बार बार सुनते अट्ठारह साल बीमार रहे एक बीमारी अट्ठारह साल लेकिन क्या कहते हैं अल्लाह से अन्नी मसनी अल्लाह से क्या कहते हैं अल्लाह मुझे परेशानी ने बीमारी ने छू लिया ये नहीं कह रहे अल्लाह बहुत ज्यादा बीमार हो हमारे यहाँ क्या है कि थोड़ी सी बीमारी आ जाती है थोड़ी सी परेशानी आ जाती है हम वावेला करने लगते हैं बस दफा अल्लाह को बुरा भला करने लगते हैं अल्लाह मैं तो नमाज पढ़ता हूँ मैं तो सदका करता हूँ मैं तो हर हाँ जुमरे के लिए भी जाता हूँ अल्लाह मुझे ही बीमार कर दिया तुम मेरे घर में सब लोग अच्छे हैं सारा अच्छे काम करते हैं मेरे बेटे को ही तुझे बीमार करना था अच्छे अच्छे लोग बार दफा ये जुमला बोल जाते हैं हजरत अयूब नबी है पैगंबर है 18 साल बीमार रहे और क्या कहते हैं मस किस किसको कहते हैं मस्सा या मस्सु मस्सन टच करना छूना यह नहीं कहा कि बहुत ज्यादा बीमार हो का मुझे बीमारी ने नुकसान ने मुझे छू लिया है अच्छा अपनी बारी आई तो सबसे कम वाला हिस्सा बयान किया लेकिन अल्लाह की बारी आई तो क्या कहा वह अंता सबसे ज्यादा रहम करने वाला सबसे ज्यादा अपनी बीमारी का बहुत ज्यादा तस्करा नहीं किया लेकिन अल्लाह की रहमत का बहुत ज्यादा तस्करा किया कि अल्लाह तू जितने दुनिया में रहम करने वाले हैं उन तमाम रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला अच्छा यह भी नहीं कहा कि अल्लाह मुझे इस बीमारी से नजात दे दे हालांकि वो जब ये जुमला कह रहे थे तो भाई डिफॉल्ट उनके दिमाग में था लेकिन उन्होंने कहा नहीं कि अल्लाह मुझे बीमारी आ गई तू रहम करने वाला मुझे इस बीमारी से नजात दे दे ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा इसीलिए हजरत अयूब अली सलाम का सब्र मशहूर है सब्र सब्रयूब मशहूर है इसीलिए सारे लोगों ने साथ छोड़ दिया सारे लोग सिवाय एक बीवी के कोई भी आपके करीब नहीं रहा सब कुछ खत्म हो गया सारी जमा पूंजी खत्म हो गई अट्ठारह साल के बाद अल्लाह क्या कहते हैं फस तजब ना लहू हमने उनकी दुआ कबूल की कितने साल बाद अट्ठारह साल के बाद और हम आज एक आध दफा ऐसे दुआ कर दें और दुआ कबूल ना हो हमें लगता है दुआ कबूल नहीं तो हम अल्लाह से शिकवा शिकायत करने लगते अठारह साल के बाद फसब ना लहू अल्लाह कहते हैं। हमने उनकी दुआ कबूल की फक शफ नामा भी मंदुर और हमने उनकी उस परेशानी को खत्म कर दिया ऐसे ही आप देखें साहबी हजरत इमरान बिन हुसैन रफी अल्लाह तीमारी कितने साल कितने साल तीस साल तीस साल एक बीमारी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं सहाबी से क्या कहा था सलिखा इमन इमरान बीमार हो लेकिन खड़े होकर नमाज पढ़ सकते हो तो खड़े होकर पढ़ो तस्त फदन खड़े होकर नहीं पढ़ सकते बैठ कर पढ़ो बैठ कर नहीं पढ़ सकते लेट कर पढ़ो वह इलाफाउी अगर लेट कर भी नहीं पढ़ सकते आंख के इशारे से नमाज पढ़ लो यही सहाबी है बीमारी की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने आसानी रखी कि ऐसा ऐसा कर लो एक बीमारी तीस साल तक लेकिन इस बीमारी को फायदेमंद हमें बनाना बीमारी आ गई आ गई अल्लाह का फैसला है फायदेमंद कैसे बनाए उस पर भी हम बात करेंगे तो ये बीमारियां जो आती हैं ना ये इन्हीं आजमाइशों का हिस्सा है अल्लाह रब्बुल आलमीन आजमाता है कभी वक्ती बीमारियां देकर कभी दायनी बीमारियां देकर लेकिन असल क्या है हमारे पास सेहत है तो हमें उसकी कदर करना चाहिए वरना अल्लाह बीमार कर देगा अल्लाह बीमार कर देगा आप सेहत की कदर नहीं करेंगे अल... कितने लोग हैं सेहत की कदर नहीं कर... कुछ भी खाते हैं कुछ भी पीते हैं, कुछ भी करते हैं तो क्या होता है उसका नुकसान उनको होता है ना कैंसर हो गया फेफड़े खराब हो गए गुर्दा खराब हो गया पेट खराब हो गया या गले में कुछ हो गया क्यों इसलिए कि आप सेहत की कदर नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आप मुसीबत को बीमारियों को दावत दे रहे हैं और बीमारियां लामा आला आपकी जिंदगी में आएंगी यह दूसरी बात तीसरी बात यह है कि बीमारियां जो भी दुनिया में हैं जो भी दुनिया में बीमारी छोटी से लेकर के बड़ी बीमारी हर तरह की बीमारियां जो भी दुनिया में मौजूद हैं अल्लाह है ने जो बीमारियां भी नाजिल की हैं उसका इलाज भी नाजिल किया जो भी बीमारी अल्लाह ने नाजिल की है छह सौ अठहत्तर जो भी बीमारी नाजिल की अल्लाह ने उसकी शिफा और उसका इलाज भी नाजिल किया जो है जो डॉक्टर कहते हैं ना कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है इस बीमारी का कोई इलाज बीमारी है दरअसल उनका इल्म ही उतना है उनका इल्म ही उतना है वरना अल्लाह ने जो भी बीमारी नाजिल की है उसका इलाज भी नाजिल किया हाँ कोई हवाई बीमारी कोई डॉक्टर बना दे या मेडिकल फील्ड की दुनिया जो है बना दे कि हाँ ये हवा खड़ा कर दिया ये बीमारी है, है और फिर कहा जाए कि इसका कोई इलाज नहीं है तो एक अलग बात कि आप दुनिया को बेवकूफ बना रहे हो लेकिन जो भी बीमारियां एग्जिस्ट करती है दुनिया में जिनका भी वजूद है दुनिया में उन तमाम बीमारियों का अल्लाह ने इलाज भी नाजिल किया है उनकी दवा भी नाजिल की है यह प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर बयान किया है तो ये समझना इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है ये गलत बात है अगर एक डॉक्टर नहीं कर पा रहा दूसरा दूसरा नहीं तीसरा तीसरा नहीं चौथा अगर अल्लाह ने शिफा रखा होगा तो किसी डॉक्टर के जरिए अल्लाह आपको शिफा दे देगा ये जो है तीसरी बात अगली बात क्या है ये तो इब्तदाई बातें हुई अब अगली बात क्या है कि हम बीमारियों से बचें इसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं? कि बीमारियां हमारे पास ना आए क्या कर सकते हैं नंबर एक खाओ पियो लेकिन इसराफ ना करो खाओ पियो लेकिन इसराफ ना करो अल्लाह ने क्या कहा वह खुलू व शरबू खाओ पियो इसराफ ना करो क्यों युहिब्बुल इबरिफेन Allah इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता अब इसका क्या मफूम है आपने खा लिया पी लिया इसराफ का क्या मतलब है इसका दो मतलब है। एक तो यह कि बहुत ज्यादा यहां तक मत खाओ यहां तक मत खाओ पूरा हल्लक तक इतना मत खाओ और दूसरा मफहम क्या है कि अल्लाह की जो भी है खाने और पीने की सूरत में आपके पास मौजूद हैं वो खाओ और उसका गलत इस्तेमाल मत करो या इतना खाओ जितनी जरूरत है फेंको मत उसको उसको जयए और बर्बाद मत करो उसको यहां वहां कचड़े में ले जाकर के मत फेंको क्यों इसलिए कि आप जब ऐसा करोगे ये खाने पीने की नाकदरी है अल्लाह की नेमत की नाकदरी है ऐसा करोगे तो अल्लाह सजा के तौर पर आपको बीमार कर देगा सजा के तौर पर आपको बीमार तो खाओ पियो लेकिन इसराफ ना करो नंबर एक एहतियाती तदबीर नंबर दो खाने पीने की चीजों में सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए सफाई का खास ख्याल रखना इसलिए हमारी शरीयत क्या कहती है हमको नाखून बड़े हो जाए काट लो क्यों इसके जरिए गंदगी खाने में जाएगा खाने के जरिए गंदगी जो आपके पेट और आंत तक जाएगी और फिर उसके जरिए फिर क्या बीमार हो जाएंगे हमारी शरीयत कहती है लो। प्लेट साफ रखो बर्तन साफ रखो खाने पीने के बाद यहां तक कि हमारी शरीयत ये कहती है कि खाने पीने की चीजें उसको ढक कर रखो उसको ढक कर रखो खास तौर से जब रात को सोने के लिए जाओ तो बर्तन के मुंह अच्छी तरह बांध दो या उस पर उसका ढक्कन रख दो क्यों इसलिए कि खाने पीने का सामान या बर्तन खुला हुआ रहेगा साल भर में एक रात ऐसी होती है जिस रात में अल्लाह बीमारियां नाजिल करता है अगर वो बर्तन में वो बीमारी नाजिल हो गई और आपने उसका इस्तेमाल कर लिया तो आप बीमार हो जाएंगे हमारी शरीर की तालीम सफाई सुथराई का यहां तक कि हमारी शरीयत ये कहती है कुत्ता बर्तन में मुंह डाल दे सात मरतबा धोना है उसको पहली या आखिरी मरतबा मिट्टी से या साबुन से उसको धोना है और ऐसी कितनी तालीमात है हमारी शरीयत की खाने से पहले हाथ धो लेना चाहिए हालांकि सुन्नत नहीं जो लोग बयान करते हैं ना कि खाने से पहले हाथ धोना सुन्नत है सुन्नत नहीं लेकिन धो लेना चाहिए बेहतर है हो सकता है गंदगी वगैरह सुन्नत नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने से पहले हाथ धोते रहे हमारे यहाँ लोग सुन्नत कह बयान करते हैं खाने से पहले हाथ धोना सुन्नत सुन्नत नहीं हाँ धो ले तो बेहतर है अच्छी बात है हो सकता है कोई गंदगी लगी हो तो खाना लेकिन आज हमारे यहां देखे मार्केट में कैसे कैसे खाने लोग इस्तेमाल करते ये रोड की सारी गली सड़ी पड़ी हुई चीजें कटा हुआ फल फ्रूट पानी पूरी और न जाने क्या क्या लोग खा रहे मजा आ रहा है उनको इसी में धूल है ना जाने कितने दिनों का तेल है न जाने कब से वो बर्तन धोया गया नहीं है क्या क्या मसाइल होते हैं फिर क्या है इंसान फिर बीमार हो जाता है खाता है पीता है और फिर उसके बाद बीमार हो जाता खाने पीने की है। चीजों में सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए ऐसे ही एक और चीज है इसमें इससे पहले हालांकि मैंने जिमन तस्करा किया वो ये है कि पेट भरकर ना खाओ बहुत से लोग खाना पा जाते हैं तो बस खा ही लेते हैं मतलब फ्री वाला दावत वाला यहां तक फिर उठा भी नहीं जाता उनसे कि फ्री का मिल गया तो खा लो पता नहीं आगे कब मिलेगा कि नहीं प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं अपने आज के पेट के तीन हिस्से करो एक हिस्सा खाना एक हिस्सा पानी और एक हिस्सा सांस के लिए हवा के लिए छोड़ दो हमारे यहां सारा खाने के लिए रहता है बीच में लोग पानी भी नहीं पीते ब्रेक भी नहीं लेते पानी भी नहीं पीते हो फिर पानी के नुकसान बयान करते खाना खाते हुए बीच में पानी पी लोगे उसका अलग नुकसान इसके अलग नुकसान लोग बयान करते तो पेट भर करके नहीं खाना चाहिए एक मोमिन जो है खाने के लिए वो जिंदा नहीं है जिंदा रहने के लिए वो खाता है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर सब आम काफिर याकुलु फी अमआ काफिर जो है वो सात आंतों से खाता है और मोमिन सिर्फ एक आंत से खाता है खाने के लिए वो जिंदा नहीं है जिंदा रहने के लिए खाता है ताकि उसका गुजर बसर हो सके और वो जिंदगी सही तरीके से गुजार तो पेट भर करके नहीं खाना चाहिए यह बीमारी से बचने के लिए एहतियाती तदबीर है अच्छा आप देखे दुनिया में आजकल आधी से ज़्यादा बीमारियां पेट के मसाइल की वजह से पैदा होती हैं आधी से ज़्यादा बीमारियां जो भी बीमारियां हैं उनका ताल्लुक असल इसी पेट से बाकी तो ये जो ये तो इंटरनल है एक्सटर्नल तो इंसान को दिखाई देता है आसानी से उसको जो है जस्टिफाई कर लेता है या उसको जो है पहचान लेता है और उसका जो है तदारुक कर लेता है इलाज कर लेता है ख़ासतौर से कोई चोट लग जाए हड्डी का मसला हो या कोई और मसला हो इंसान खुद से पहचान लेता है लेकिन पेट की वजह से जो बीमारियां पैदा होती हैं बाज दफ़ा बहुत देर से इंसान को खबर लगती है और फिर वो आखिरी स्टेज पर पहुंच जाते नंबर तीन चौथी और आखिरी एहतियाती तदबीर जो है वो ये कि बीमारियां जहां फैली हुई हो वहां हमें नहीं जाना चाहिए और ऐसे ही अगर हम कहीं ऐसी जगह हैं जहां बीमारी फैली है तो वहां से निकलकर दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए क्यों अगर वो मुतादी बीमारी है फैलने वाली बीमारी है तो वो क्या है ट्रांसफर हो जाएगी आप यहां थे बीमार हो सकता रहे हो आप यहां से जाएंगे दूसरी जगह तो फिर आप बीमारी लेकर के चले जाएंगे हालांकि बीमारी खुद से ट्रांसफर नहीं होती अल्लाह के हुक्म से होती माँ असाब अमी الله जो भी मुसीबत आती है अल्लाह के हुक्म से आती है लेकिन शरीयत की क्या तालीम है कि आप जहां कहीं कोई, कोई बीमारी फैली हुई है वहां से ना निकल कर जाएं और ना ही किसी ऐसी जगह आप जाएं जहां बीमारी फैली हुई हो तो इसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए ये कुछ एहतियाती तदबीर है बाकी मेडिकल दुनिया के से मुताक आप बहुत सारी चीज़ें जानते हैं किस तरीके से हम बीमारी से बच सकते हैं अच्छा आपने सब किया सारी एहतियाती तदाबीर आपने इख्तियार की उसके बावजूद आप बीमार हो गए अल्लाह की मर्जी अल्लाह की मशीयत अल्लाह के हुक्म से उसके बाद भी आप बीमार हो गए तो क्या करना है बीमारी अगर लाहिक हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए नंबर एक सबसे पहले क्या करना चाहिए सबसे पहले अल्लाह से दुआ अल्लाह से दुआ ये सबसे पहला काम हमारा लेकिन ये काम हम आखिरी में करते हैं हार्ट का ऑपरेशन होने वाला दुआ करवा दो फलाने मसला है दुआ करवा दो इस सबसे आखिर में हम करते हैं सबसे पहले हमें अल्लाह से दुआ करना चाहिए अल्लाह रबुल आलमीन से दुआ करना चाहिए आगे दुआओं का तस्करा हम करेंगे नंबर दो दुआ के साथ साथ दवा का भी सहारा लें दवा कराना इलाज कराना ये तवक्ल के अगेंस्ट नहीं है आपका तवक् अल्लाह पर है भरोसा अल्लाह पर यकीन अल्लाह पर है इसीलिए दुआ भी कर रहे हैं आप लेकिन वही अल्लाह ये कहता है बीमारी आ जाए तो क्या करो इलाज करो दवा कराओ आपकी इस्त के मुताबिक अच्छे से अच्छे डॉक्टर से मिलो इलाज कराओ दवा कराओ दुआ के साथ साथ दवा का भी सहारा ले यह हमारी शरीयत की तालीम है हमारी शरीयत इसकी इजाजत हमें देती नंबर तीन दवा कराते हुए मुकम्मल तवक्कुल और भरोसा किस पर रखना है अल्लाह पर डॉक्टर क्या है सोर्स जरिया सबब हमारे यहां क्या करते लोग डॉक्टर साहब अब आप ही कुछ कर सकते हैं अब सब कुछ आपके हाथ में बचा लो ऑपरेशन अच्छे से करना नसीहतें करते हैं हम डॉक्टर को और इस बीच में हम आकीदे कि क्या क्या खराबियां हम कर जाते हैं अपनी जबान अपने अल्फाज के जरिए हम सोचते भी नहीं डॉक्टर सिर्फ सोर्स है जरिया है सबब है अल्लाह ने उसके हाथ में शिफा लिखा होगा तो आप शिफा हो जाएंगे इसीलिए मुकम्मल तवक्कुल यकीन भरोसा अल्लाह पर रखना अल्लाह ना चाहे तो डॉक्टर जो है कैंची भी अंदर छोड़ आता है ऑपरेशन के वक्त अल्लाह आपको ठीक ना करना चाहे बीमार को ठीक ना करना चाहे तो डॉक्टर से कई गलतियां ऑपरेशन करते हुए हो जाती हैं लेकिन अगर अल्लाह चाहे तो वो डॉक्टर जिसको बहुत ज्यादा तजुर्बा नहीं है उसके जरिए भी अल्लाह आपको शिफा दे देता है तो डॉक्टर सिर्फ सोर्स है डॉक्टर सिर्फ जरिया है और अल्लाह पर ही मुकम्मल तवक्कुल और भरोसा रखना चाहिए दवा और इलाज करते वक्त चौथी बात इसमें यह है कि आपने इलाज करवाया या करवा रहे लेकिन एक स्टेज ऐसा आया डॉक्टर ने कहा नहीं खत्म अब कुछ नहीं हो सकता आपके बीमार का या आपकी बीमारी का तो डॉक्टर की तरफ से मनफी जवाब मिलने के बाद क्या करना चाहिए हमें अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए कितने ऐसे बीमार हैं कि सब तरफ से दरवाजा बंद सब तरफ से सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कई एक हॉस्पिटल में गए कई एक बड़े बड़े माहिर सर्जन से मुलाकात किया सबने कहा नहीं कुछ नहीं हो सकता लेकिन आप देखते हैं कि अल्लाह के हुक्म से वो बीमार ठीक होता है और अगले कई सालों कई महीनों तक जिंदा रहता है वो ला ला। अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना अल्लाह की रहमत से मुसलमान मायूस नहीं होता काफिर मायूस होता है वो मायूस होता है जो गुमराह उमय यकन तुम रहमत रबी इकबाल अल्लाह की रब की रहमत से सिर्फ गुमराह लोग मायूस होते हैं मुसलमान कभी मायूस नहीं होता है अगली बात यह है इसी में कि बीमारी अगर लाइक हो जाए तो क्या करना चाहिए वो ये कि इलाज करवाना तो ठीक है शरीयत ने इजाजत दी है लेकिन इलाज के लिए हराम चीजें इस्तेमाल करना क्या है हराम इलाज के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं टेंशन में है परेशानी में है तो सिगरेट पीते हैं परेशानी को हराम तरीके से खत्म कर रहे हैं उलझन जहनी तनाव में परेशानी में तो उसके लिए क्या है सिगरेट पीते हैं और आजकल तो लड़कियां भी पी रही हैं और आजकल तो न जाने क्या क्या जो है अजीब अजीब तरीके का आ गया है मशीनें आ गई हैं हुक्के आ गए हैं कहते हैं बिना वो फ्लेवर वाला है फ्लेवर वाला है। वो भरी साहल वालों की तरह सब जो है तदबीरें करते हैं हीले करते हैं कहीं से तो बच जाए नहीं ये चलेगा ये चलेगा सारे लोग खुद फतवा दे ले रहे हैं और हुक्का पी रहे हैं क्या लड़के क्या लड़कियां सब ये कर रहे हैं टेंशन दिमाग उलझा हुआ है इसका टाइम चल रहा है उसका टाइम चल रहा है तो चलो सिगरेट पी लेते हैं बाज लोग थोड़ा और आगे बढ़ते तो शराब भी पी लेते दवा इलाज कराना ठीक है बहुत अच्छी बात है लेकिन उसके लिए हराम चीज आप इस्तेमाल करें तो यह हराम है यह हराम है। हाँ उसके अलावा डॉक्टर ने कह दिया कोई चारा नहीं तो चूंकि इंसानी जान की बड़ी अहमियत है तो इंसानी जान को बचाने के लिए वो तरीका इख्तियार किया जा सकता जैसे आपको भूख लगी है कुछ मैसर नहीं है सिवाय हराम गोश्त के तो क्या है आप खा सकते हैं फमन रबागी वाला आद जरूरत भर का एक दो लुकमा ताकि आपकी जिंदगी बच जाए ऐसे ही कोई और इलाज नहीं है सिर्फ वही इलाज है तो क्या कर सकते हैं इंसानी जिंदगी को बचाने के लिए उसका सहारा लिया जा सकता है एक और चीज इसमें यह है कि रुकिया का अहतमाम करना चाहिए रुकिया का एहतमाम करना चाहिए अब यह रुखिया क्या है कोई भी करेगा यह सिर्फ कुछ खास लोग हैं हमारे यहां कुछ खास लोग होते कोई भी कर सकता है भैया कोई भी कर सकता सिर्फ पढ़ कर के आप का एक नाम रुकिया है सिर्फ सूर्य आतिया है। मैंने शुरू में क्या कहा दुआ करें और करवाए अच्छी बात है लेकिन पहली फुर्सत में इमाम साहब के बाद चिट्ठी लेकर ना पहुंच जाए बच्चा बीमार हो गया इमाम साहब दुआ करवा दो बेटी बीमार है दुआ करवा दो अम्मा बीमार है दुआ करवा दो आपसे उनका ताल्लुक है आप जिस मोहब्बत और खलूस के साथ दुआ करेंगे इमाम साहब और मुख्तिय हजरात नहीं कर सकते हमारे यहां लोग करते नहीं बच्चा बीमार हो गया रो रहा भाग करके लेकर इमाम साहब के मोली साहब के पास आते हैं ठीक है अच्छी बात है दुआ पर आपका भरोसा है लेकिन कुरान हदीस क्या कहते हैं कि माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है आप दुआ ही नहीं कर रहे सिर्फ सूर्य आते सूर्य आते किसको नहीं याद सबको याद होती है सूर्य फातिहा पढ़कर के दम कर दें क्या किया था अबू सईद खुदरी खुदी ने सिर्फ क्या किया था सूर्य फातिहा पढ़कर के दम किया था सांप का डसा हुआ बंदा ठीक हो गया जहर का इलाज है इसमें जहर का इलाज और हम अपनी बीमारियां छोटी छोटी बीमारियां पेट दर्द सर दर्द और जो है बुखार और जैसी बीमारियां नहीं ठीक कर पा रहे क्यों एक तो जैसा ईमान दुआ पर होना चाहिए वैसा नहीं है और जैसी दुआ यहां से निकलनी चाहिए वैसी नहीं निकलती है नहीं निकलती है वैसी तो रुकिया का एहतमाम करना चाहिए रुकिया मतलब दम करवाना इलाज करवाना भाई घर में कोई बीमार है कोई भी पड़ करके फूंक दे दम कर दे कोई भी आप खुद अपने ऊपर कर सकते हैं कहीं हाथ में पांव में दर्द है उसके लिए अलग तरीका शरीयत ने बताया तीन मरतबा बिस्मिल्ला को उस जगह पर अपना हाथ रखो तीन मरतबा बिस्मिल्ला को हो सात मरतबाऊदबिल्ला ही वदरती ही मिनशरिमा अजीद वहा साबी कहते हैं मैंने नबी से पूछा जब से इस्लाम लाया दर्द हो रहा था नबी ने यह नुस्खा बता दिया मैंने कर लिया जिंदगी भर दर्द नहीं हुआ क्यों ऐसा हुआ उनका ठीक हो गया हमारा ठीक नहीं होता क्योंकि उनके पास ईमान था यकीन था तोल था एतम था अल्लाह की ज़ात पर यहां से दुआ निकलती थी हम तो सिर्फ यहां से निकालते सिर्फ जुबान और हम क्या करते हैं हम निकालते भी नहीं हम पढ़ते हैं सिर्फ हम सिर्फ दुआ पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं उसका मतलब भी नहीं मालूम होता हमको तो रुकिया का अहतमाम करना चाहिए यह नहीं कि आप भाई किसी जो है बाबा को या पेशावर राखी को आप पकड़ कर लाएं और उसको पैसे दे पांच हजार दस हजार बीस हजार भाई आप ही पढ़ेंगे तो ठीक होगा आप पढ़ सकते हैं हमारे अपने लोगों ने और तरीका इख्तियार कर लिया और दूसरे लोगों ने दूसरा तरीका इख्तियार कर लिया बीमार हो तो कुरान खानी करो बच्चों की टीम बुलाई जाती है नाजरा पढ़ने वालों की हिफ्ज करने वालों की टीम बुलाई जाती है जो जितना ज्यादा स्पीड से पढ़ ले उतना ही कमाल है उसका कुरान खानी करते हैं लोग और सूरह यासीन खास तौर से पढ़वाते हैं जिसकी कोई भी फजीलत साबित नहीं है कोई एक फजीलत भी सूरह यासीन की साबित नहीं वो पढ़वाया जाता बार बार पढ़ो ये करो ऐसा करो वैसा करो तो जैसा काम हमें करना चाहिए वैसा हम नहीं कर रहे हैं सूर फातिहा पढ़ करके दम करें आप जहां फातिहा करना चाहिए वहां नहीं करते जहां नहीं करना चाहिए वहां करते सूरतुल फातिहा बड़ी अहम सूरतुल बकरा है आयतुल कुर्सी है मुआवजैन है और उसके अलावा दीगर दुआएं हैं बीमारियों के वक्त जो पढ़ी जाती हैं इन तमाम दुआओं को इन तमाम को ना भी पढ़ें सिर्फ फातिहा ईमान यकीन इखलास तवक्कुल के साथ पढ़ दे अगर आप बीमार हैं अपने ऊपर पढ़ रहे हैं आप ठीक हो जाएंगे इन और अगर आपके घर में कोई बीमार है आप पढ़ करके दम कर रहे हैं तो आपका वो बीमार इनशाला ठीक हो जाएगा लेकिन यकीन होना चाहिए और मुकम्मल उस पर एतमाद होना चाहिए भरोसा होना चाहिए कि ये अल्लाह की बात है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है और इसकी वजह से अल्लाह ताला बीमार को ठीक कर देगा मुझे ठीक कर देगा तो रुखिया का अहतमाम करना चाहिए अच्छा इसमें एक बात यह है कि बाज़ दफा लोग बीमारी को बुरा भला कहते हैं बहुत दिन से बीमार हूं ठीक ही नहीं पता नहीं क्या हो गया है पता नहीं क्या हो गया उठा नहीं जा रहा है चला नहीं जा रहा है ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है बीमारी को कभी बुरा ना कहें हर किस बीमारी को बुरा ना कहें क्यों इसलिए कि नंबर एक ये अल्लाह की तरफ से आती है और नंबर दो बीमारियों की वजह से हमारे गुनाह अल्लाह मिटा देता है के पास प्यारे रसूल सल्लाह तशरीफ लाए बीमार थी वो उनके पास तुंचे तो आपने उनको देखा कि वो कांप रही हैं. तो आपने कहा माला की तुझी ना क्या बात है कांप रही हो तो उन्होंने कहा अल्हम्मा. अल्लाह के नबी सलम बुखार है लाबारा फी एक नामुनासिब जुमला इस बीमारी को हम अपनी जबान में कह लें तो बीमारी को कुछ बुरा भलाकार कब से बुखार है ठीक ही नहीं हो रहा तो आप वसल्लम ने क्या फरमाया बुखार को बुरा मत कहो चूंकि उनको बुखार था इसलिए आपने बुखार का नाम लिया इसकी जगह आप कोई भी बीमारी रख सकते हैं या आप यह कह सकते हैं कि बीमारी को बुरा ना कहो क्यों खताया बनी आदम कमा खीर इसलिए कि ये बीमारियां इंसान के गुनाहों को ऐसे ही मिटा देती हैं जैसे भट्टी की आग लोहे के ऊपर लगे मैल कुचैल को साफ कर दिया करती कितनी बड़ी बात हमारी शरीयत कहती बीमारी को बुरा मत कहो अल्लाह का फैसला समझकर कबूल करो तो ये अल्लाह की तरफ से आ रही अगर बीमारी को बुरा कहते हो तो गोया की अल्लाह को बुरा कह रहे हो अगर बीमारी को गाली दे रहे हो बुरा कह रहे हो गोया की अल्लाह को बुरा करो इसलिए कि बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है इब्राहिम ने क्या कहा था वही मरीज तो फिन जब मैं बीमार होता हूँ अल्लाह की मशीयत उसकी मर्जी के तहत तो क्या है मेरा रब ही मुझे शिफा देता है वही मेरा इलाज करता वही मुझे ठीक करता है तो बीमारी को बुरा नहीं कहना चाहिए और बीमारी की वजह से जो गुनाह मिटते हैं उनका तस्वूर हमें करना चाहिए और मैंने शुरू में एक हदीस बयान की मैं यूरिद ही खुर हूँ जिसके साथ अल्लाह भलाई का इरादा करता है उसको क्या करता है किसी मुसीबत में या बीमारी में डाल देता है तो ये हमें ख्याल रखना चाहिए अच्छा ये तो बात हुई बीमारी के ताल्लुक से दवा इलाज के ताल्लुक से बीमारी ना आए क्या करना चाहिए बीमारी आ जाए तो क्या करना चाहिए अच्छा बीमारी आ जाए तो इसको हमें फायदेमंद कैसे बनाए हम हम इसको फायदेमंद कैसे बनाए तो एक चीज मैंने क्या कहा कि इसको बुरा ना कहो इसकी वजह से गुनाह मिटते हैं एक चीज ये हो गई दूसरी चीज तकदीर पर राजी होकर हमारी जिंदगी का हिस्सा है हमारे साथ जो कुछ हो रहा है हमारी जिंदगी का हिस्सा है तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं सुनन तीस की हदीस है वर्बा बिमा कसम तक الناس जो भी अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिया है उस पर क्या करो राजी रहो खुश रहो क्या फायदा होगा الناس लोगों में सबसे ज्यादा मालदार हो जाओगे बेनियाज हो जाओगे किसी की तुम्हें जरूरत ही नहीं रहेगी भाई मेरे साथ जो हो रहा है अल्लाह की मर्जी इसीलिए प्यारे रसूल वसल्लम को जब कोई खुशी की खबर मिलती थी तो क्या कहते थे तमाम तारीफ उस के लिए जिसके फजल, जिसकी नेमत की वजह से तमाम नेकियां अच्छाइयां मुकम्मल होती हैं और जब कोई बुरी खबर आपको मिलती थी तो क्या कहते थे अल्हम्दुलिल्लाहि अला अलहमद हाल हर सूरत हाल में अल्लाह के लिए तारीफ अल्लाह के क्यों आप मुसलमान हैं मोमिन है, बुरा वो कहे जिसके पास इल्म नहीं बुरा वो कहे जो अल्लाह को नहीं मानता बुरा वो कहे जिसका कोई अकीदा नहीं हम बुरा कहें जिनका ईमान और अकीदा अल्लाह पर है जो मुकम्मल तौर से अल्लाह को अपना खालिक मालिक मुरबी पालानार मबू सब समझते हैं तो ये बहुत गुंदी बात इसीलिए बीमारी को फायदेमंद कैसे बनाए उस पर राजी होकर तकदीर का हिस्सा समझ करके अल्लाह का फैसला समझ करके क्या फायदा होगा दुनिया में लोगों में सबसे ज्यादा बेनियाज़ और अमलदार आप हो जाएंगे ऐसे ही आने वाली बीमारी जो है उसको फायदेमंद कैसे बनाएं उस पर सबर करके सबर करके अल्लाह ने क्या कहा तुम्हें जरूर आजमाएंगे मुख्तलिफ तरीकों से अल्लाह ने वो तरीके गिनवाए और उसके बाद क्या कहा वह बशरी सौबरी इन तमाम सूरत हाल में जो लोग सब्र कर जाएं उनके लिए क्या है बशारत सलाम, अट्ठारह साल बीमार रहे क्या क्रेडिट मिला क्या जो है उनको इनाम मिला एक तो उनका नाम हो गया दूसरे उनका सब्र मशहूर हो गया तीसरे अल्लाह की तरफ से उन्हें दुनिया में भी इनाम मिला और आखिरत में भी अल्लाह ने इनाम या आने वाली भी वह बस और सब्र करके आप कभी अपने आप को ज़ाय और बर्बाद नहीं कर सकते एक हदीस के अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया में इंसान को सबसे ज्यादा खैर जिस चीज के जरिए दिया गया है नवाजा गया वो सब्र है वो सब्र है और अभी आप बीमार हुए अभी कोई मसला हुआ अभी सब्र करना है आपको ये नहीं कि आप दो चार दिन बाद दो चार महीने बाद उसके बाद कहते नहीं मैं सब्र करता उसको सब्र नहीं करता इन मत इन द दिल ऊला अभी बीमारी का पता चला अभी आप सरेंडर अभी दो चार सालों पहले अली बना का मसला आया था ऑस्ट्रेलिया का वो बंदा कैंसर हो गया उसका डॉक्टर ने कहा तीन महीने छह महीने जिंदा रहोगे उसने क्या किया बीमारी को कबूल किया शिकवा नहीं शिकायत नहीं कुछ नहीं अल्लाह के फैसले पर सब्र किया जो कुछ जमा पूजी थी सब खर्च कर दिया अफ्रीका के गरीब ममालिक में गरीब बच्चों के यहां हॉस्पिटल बनवाए स्कूल बनवाए और आप जानते छः महीने नहीं बल्कि अगले डेढ़ दो साल पौने दो साल तकरीबन वो बंदा जिंदा रहा सब्र करना फायदे और दुनिया आज मोहब्बत से उसका तस्करा करती है उस बंदे प्यार से मोहब्बत से उसका नाम लेती है उसका तस्करा करती है एक बंदा ऐसा था सारी जमा सारी बुराइयों से तोहबा भी कर लिया जो पहले कर रहा था और जितनी जमा पूंजी थी सब कुछ अल्लाह के रास्ते में गरीब लोगों के गरीब बंदों के दरमियान उसने लुटा दिया अल्लाह के यहां भी इंशाला वो सुरखरू है और दुनिया वालों के यहां भी और कामयाब है वो तो आने वाली बीमारी पर सब्र करके ऐसे ही एक और चीज़ जिसके जरिए हम बीमारी को फायदेमंद बना सकते हैं वो ये कि आप जब बीमार हों तो खास तौर से बीमारी के वक्त सदका करना चाहिए सदका करना चाहिए सदका करने से भी बीमारियां और परेशानियां दूर होती हो सकता है हम बीमार जो हुए हैं वो अल्लाह की जानिब से गुस्सा और नाराजगी की वजह से हुए हैं तो क्या है असदा तो गजब और रब भी सदका अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है और ऐसे ही अगर वो अल्लाह का गुस्सा नहीं है तो नबी वसल्लम के एक हदीस है जिस परमा ने कलाम भी किया लेकिन बहरहाल उसका माना सही है वो क्या दाउ मदका अपने मरीजों का इलाज करो कैसे सदका के जरिए लेकिन याद रहेज़ा उमल जैसा आप अमल करेंगे वैसा ही बदला मिलेगा क्या मतलब जैसी बीमारी है वैसा तो सदका भी करना चाहिए ये नहीं कि कि किसी को कैंसर है अल्लाह ना करे किसी को कैंसर हो किसी को कैंसर हो दस रुपया दे कहे कि मैं अपनी जो है बीमारी का इलाज कर रहा हूँ इसलिए सदका कर रहा हूँ तो ठीक है अल्लाह कुछ भी कबूल कर सकता है मसला नहीं है नीयतों को देखता है वो लेकिन जैसी बीमारी वैसा तो सदका भी होना चाहिए उसी लेवल का उसी टाइप का तो मरीज़ों का बीमारों का बीमारियों का इलाज हमें सदक़ा के ज़रिए करना चाहिए अल्लाह आलमीन सदक़े की वजह से बीमारियां और परेशानियां दूर करता है इस हवाले से एक आखिरी बात वो आखिरी बात क्या है कि जिसे हमने छोड़ दिया है जिसे हमने छोड़ दिया है और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है आप तरीक़ा है वो ये कि बीमार की इयादत करना की, बीमार की आदत करना और करने में फायदा आपका भी है फायदा मरीज का भी है आपका फायदा क्या है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा किसी मरीज को देखने के लिए जाए सुबह के वक्त गया है शाम तक कितने फरिश्ते सत्तर हजार फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं और शाम को गया है तो सुबह तक सत्तर हजार फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं यह तो सत्तर हजार फरिश्तों की दुआ मिलती है साथ ही एक फायदा और क्या होता है आपने फरमाया लम यजल फी फिल जन्ना जब तक बीमार के पास है तब तक गोया कि वो जन्नत के बाग में है फल तोड़ रहा है मजे ले रहा है जन्नत के हम नहीं सोचते हमारा पड़ोसी बीमार है कई दिनों के बाद हमें खबर होती पता चल गया फलां साहब बीमार खैरियत भी नहीं पूछते हम हालांकि आजकल तो आसानी है भाई आप इंशाल्लाह मोबाइल के जरिए फोन करके मैसेज करके खैरियत ले ले ये भी तीमारदारी में इयादत करने में इंशाल्लाह शुमार होगा हम ये भी नहीं करते तो ये आपका फायदा है ये आपका फायदा है किसी बीमार के इयादत करने के लिए आप गए अच्छा बीमार का क्या फायदा है आप बीमार के पास जब जाएं तो बहुत ज्यादा देर तक ना बैठे अगर वो इस सिचुएशन में है कि आपसे बात कर सकता है ठीक है बात करें लेकिन अगर वो इस सिचुएशन में नहीं है घर वालों से बात करें उनको तसल्ली दें दिलासा दें और साथ ही साथ मरीज के पास आकर के दुआ पढ़ें क्या दुआ पढ़ें उसके लिए शिफा की नंबर एक लाबात इनशा घबराओ नहीं परेशान ना हो अल्लाह ताला इंशाल्लाह शिफा दे देगा हमारे आज लोग जाते किसी का हाथ टूट गया पट्टी बदले तो क्या गेट वेल सून गेट वेल सून ना ये लिख करके देते हैं पट्टी पर लिख देते हैं सारा और वो समझते बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं पूरी पट्टी भर देते लिख करके सारे लोग दोस्त लोग फ्रेंड लोग फैमिली वाले रिश्तेदार ये वो सब लिख करके भर देते हैं उसको वो वाइट पट्टी काली हो जाती है या ब्लू हो जाती है हमारी शरीयत क्या कहती है क्या कहो ला लाबा सा इनशा रज नहीं घबराओ नहीं ये बीमारी क्या है तहूर तहूर है तहूर का क्या मतलब होता है ये बीमारी ठीक भी होगी और तुम्हारे गुनाह को भी मिटाएगी तहूर तहूर का दो मतलब... बोले तो एक मतलब होता है उसका कि ये बीमारी ठीक हो जाएगी लेकिन तहूर जब बोला तो दो मतलब हो गया ये बीमारी ठीक भी होगी इंशाल्लाह और ये बीमारी आपके गुनाहों को भी मिटाएगी इंशाल्लाह ये तहूर का मतलब है अच्छा उसके बाद क्या दुआ करना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखाया सात मरतबा दुआ पढ़ा यही दुआ पढ़ करके इंशाल्लाह बात खत्म करेंगे क्या है सिर्फ आठ वर्ड है असअलुल्लाहा अलअظیم रब्बल अर्श अलअظیم अयशफीक और अच्छा है तो अयशफी है की क्या मतलब है इसका सिर्फ आठ वर्ड मैं अल्लाह से सवाल करता हूं जो बहुत बड़ा रब्बल अर्श अलअظیم जो बहुत बड़े अर्श का मालिक किस बात का कर सवाल करता हूं अयशफीक का कि वो आपको ठीक कर दे नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो किसी मरीज़ के पास आए सात मरतबा ये दुआ पढ़ दे अगर उसकी मौत का वो वक्त नहीं है अगर अल्लाह ने इस बीमारी से उसके मुकद्दर में मौत नहीं लिखा है तो आपके सात मरतबा ये दुआ पढ़ देने की वजह से अल्लाह उस बीमार को ठीक कर देगा हम नहीं पढ़ते हैं? कोई पढ़ता अला माशा कोई पढ़ता होगा पढ़ता होगा ही नहीं आए तो बीमारदारी के लिए जाए बीमार के पास जाए सिर्फ सात मरतबा अगर उस बीमारी में उसकी मौत नहीं लिखी है तो आपके दुआ ये सात मरतबा सिर्फ दुआ पढ़ दें आप, आपकी दुआओं की वजह से उस बीमार की बीमारी को अल्लाह ताला ठीक कर देगा उसको दुरुस्त कर देगा तो इस सुन्नत को जिंदा करने की जरूरत है नबी अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों नहीं गैर मुस्लिमों की आदत के लिए भी जाते थे गैर मुस्लिमों एक बच्चा यहूदी बच्चा बीमार हुआ मशहूर वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और आपने उसकी खैरियत पूछी और उसकी जो है तबीयत के बारे में पूछा फिर उससे कहा कि मुसलमान हो जाओ इस्लाम ले आओ वो अपने बाप की तरफ़ देखने लगा तो उसके बाप ने क्या कहा अबुल कासिम ए मेरे बच्चे अबुल कासिम की बात मान लो चुनाचा उसने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लिया मुसलमान हो गया और आखिरी वक्त में जो है उसी पर उसका इंतकाल हुआ और खातिमा बिल खैर हुआ उसका तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैरों की भी तीमारदारी करते थे आदत कर, आज हम अपनों बल्कि बाज़ दफ़ा अपने रिश्तेदार में भी, भी कोई बीमार है उसकी आदत के लिए भी हम नहीं जा पाते तो इस सुन्नत को हमें ज़िंदा करने की ज़रूरत है इसका चयन करने की ज़रूरत है ताकि समाज में खैर आम हो और वाकई ये बात बड़ी हमारी शरीयत ने जो बयान की है समाज के हिसाब से एक बंदा अगर आप बीमार हैं मैं बीमार हूँ अगर मेरे पास कोई खैरियत पूछने के लिए आ जाए फ़ोन कर ले खैरियत पूछ ले सुना आप बीमार हैं अब कैसी आपकी तबीयत एक तसल्ली से मिलती है एक हौसला सा मिलता कोई है पूछने वाला इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में अगर किसी एक बीमार की तसल्ली के लिए आप जरिया बन जाए कोई टेंशन में उलझन में बीमारी में किसी के वालिद साहब बीमार है हॉस्पिटल में एडमिट है कुछ और मसला चल रहा है आप फ़ोन करके खैरियत पूछ लें घर वालों को भी तसल्ली मिलती है एक हौसला मिलता है और जो है वो अपने आप को किसी गलत रास्ते पर ले जाने से बचा लेते हैं अपने आप को महफूज कर लेते हैं तो ये बीमार बीमारियाँ और जो है मरीज़ों और मुख्तलिफ तरह की बीमारियों के ताल्लुक से ये चंद बातें जो मुख्तर वक्त में मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है अल्लाह हरबुलजे से दुआ है अल्लाह हम सभी को कुरान और हदीस की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए अल्लाह हम सभी को हर किस्म के खुराफा बदात मुनकरात फ्वाहिश और हर तरह की गलत चीज़ों से दूर रहने की तौफीक दे और जिस भी मरहल में हम गलत रास्ते पर हों अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उन तमाम गलत रास्तों पर जाने से बचाए अल्लाह हमारी हिफाज़त करे जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रखे ख़ातिमा तो ख़ातिमा बिलखैर हो व अला नबी व सहाबी वासाबी बिरहमतिका या अरहमर और ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें ताकि आपके लिए जरिया नजात जन्नत के हुसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन जज़ाकल्लाहु खैरन